रुनेचा गांव के रामदेव जी के मंदिर के पास विनय नाम का लड़का खड़ा था उस समय मंदिर से आवाज़ निकली आवाज़ को सुनकर विनय भागा मंदिर से आवाज़ आई बोला डरो मत में जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो कलयुग में पाप बढ़ रहा है पाप का अंत करने में इस पृथ्वी पर जन्म लुगा और जो लोग धर्म का नाश करते हैं उनका नाश करूंगा जो भी मेरे नाम से ग्यारह बार इसे किसी अन्य को भेजेगा उसकी मनोकामना चौबीस दिन में पूरी होगी इतना कहकर आवाज़ रूपी देव दो कदम पीछे हटकर अदृश्य हो गया यह बात सुनकर मोबाइल दुकानदार महेश कुमार ने ग्यारह बार अन्य को भेज दिए तो उस व्यक्ति को इक्कीस लाख रुपए आकर्षक रूप से मिले उसके बाद एक जाटों का लड़का जिसका नाम विनय जाट था ने ग्यारह बार भेजे तो उसको आठ दिन बाद जमीन में छुपा हुआ सोना मोहर से भरा एक कलश मिला उसके बाद यह बात सुन के एक खोरी गांव के राजपूत का लड़के ने दस बार भेजे तो उसे आर्मी में नौकरी मिल गई गांव ही राहुल नाम के व्यक्ति ने झूठा समझकर रोक दिया तो उसका बहुत नुकसान हुआ और उसकी नौकरी चली गई एक बहन नाम मूली देवी जो कि पैरों की बीमारी से दुखी थी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने राजेश नामक लड़के की बात सुनी और 11 बार भेजने की बात की तो वह ठीक हो गई रूनेचा गांव के विनय बैठा और 10 लोगों ने मिलकर 10 को भेजा तो 60 मिनट में ही 15 लाख का लाभ हुआ हर व्यक्ति से हमारी प्रार्थना है कि वे इस संदेश को डिलिट न करें इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए अगर यह एमएसजी आपने इक्कीस लोगों को नहीं भेजा तो आपको पांच दिनों के अंदर एक बहुत ही बुरी खबर मिलेगी अतः आपसे निवेदन है कि यह मैसेज आगे फॉरवर्ड करे जय होनेचा दरबार की